अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुस्तफ़ा गज़नवी और आप देख रहे हैं रफ़ अपडेट्स की ट्रैवल डायरी। आज हम आपको अपने ट्रैवल डायरी के अंदर अरंदू की जानिब लेके जा रहे हैं। अरंदू पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर एरिया है। पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया पे जो आबाद इलाका है वो अरंदू है। हम आपको दरूज से जो है वो आगे अरंदू की जानिब लेके चलेंगे। आज दरूज से अरंदू जाते हुए तकरीबन 37 या 38 किलोमीटर का फासला है, लेकिन वहाँ पर हमें जो सफ़र का वक्त लगा वो 4 घंटे था। ज़ाहरी तौर पे अगर साफ़ रोड होते तो 1 से 1.5 घंटे में सफ़र पहाड़ों का तय हो जाता, लेकिन वहाँ के रोड जो हैं वो कच्चे हैं और वहाँ पे रास्ते में पत्थर ही पत्थर है। नीचे दरिया चित्राल बह रहा है, जिस दरिया चित्राल को आगे जाके दरिया काबिल में कन्वर्ट होना है, उससे पहले दरिया कुन्नड़, क्योंकि सुबह अफगानिस्तान का कुन्नड़ है उस एरिया पे, तो पहले दरिया कुन्नड़ है और फिर दोबारा चित्राल का दरिया पाकिस्तान में नौशहरा के मुकाम पे पाकिस्तान में दाखिल होगा, जहां पे उसका नाम दरिया काबुल रखा जाएगा और दोबारा अफगानिस्तान में दाखिल हो जाएगा। लेकिन अभी हम आपको अरंदू की जानिब लेके चले तो अरंदू का रास्ता इंतहाई ज़बरदस्त, पुरखतर और बेहतरीन ज़बरदस्त रास्ता था, जहाँ पे पक्के जो पत्थरों वाले पहाड़ हैं वो हमारे साथ साथ पूरे रास्ता रहे। कहा यह जाता था मुझे रास्ते में वहाँ पे कुछ मुकामी लोगों ने बताया कि जो एरिया है यहाँ पे जितना भी पहाड़ है ये तमाम का तमाम इंतहाई सख्त है और इसके ऊपर पत्थर ही पत्थर, और वाकईतन बात वही थी कि वो तमाम के तमाम खुश्क पहाड़, पथरीले पहाड़ और इतने बड़े बड़े पत्थर जो कभी भी किसी भी वक्त नीचे गुजरने वाले पे गिर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना सफ़र बखैर आफियत जो है अरंदू की जाने पूरा किया। अरंदू का जो सफ़र था वो इंतहाई ज़बरदस्त। आप हमारे साथ मनाजिर देखिए, आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर ज़बरदस्त रास्ते से हमने तमाम सफ़र अपना जो मुकम्मल किया। हम तकरीबन रात के वक्त जाके अरंदू पहुँचे, तकरीबन 3 से 4 घंटे का सफ़र हमने मुकम्मल किया। तो अरंदू पहुँच के हमारा इस्तकबाल किया गया और जो खाना था वो बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त था, और ये कह लें कि आपके मेहमान नवाजी की इंतहा थी। हमने वहाँ पे पहुँचे, हमने वहाँ पे गप्पें लगाई, दोस्त मिले हमें वहाँ पर, इंतहाई बाइलम किस्म के लोग जिनके पास इल्म का समंदर कह लें वो है। लेकिन उसके अलावा जो सबसे हमने वहाँ पे अट्रैक्टिव चीज़ जो देखनी थी वो यही था कि हमारे वहाँ पे करीबी अफ़गानिस्तान है, हमें सुबह सवेरे उठना था और अफ़गानिस्तान को देखना था, नीचे से दरिया चित्राल को दरिया कुन्नड़ बनते हुए भी देखना था। बल्कि वहाँ पे सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि वहाँ पे दरिया कुन्नड़, दरिया नूरिस्तान और दरियाए चित्राल, यानी कि दरिया चित्राल तो दरिया कुन्नड़ बन रहा है, लेकिन दरिया नूरिस्तान अफगानिस्तान के सुबह नूरिस्तान से जो दरिया आ रहा है वो भी उसी दरिया में शामिल हो रहा है और वो दरिया कुन्नड़ बन रहे हैं और आगे जाके उस दरिया ने दरिया काबिल बन रहा है। ये हमें तमाम चीज़ें देखनी थी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन फिलहाल अगर आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।